अगली खबर में बात करते हैं जबलपुर की, जहां कटंगा चौराहे पर तेज रफ्तार कार चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए मादा स्वान को टक्कर मार दिया। घटना में मादा स्वान का जहां एक पैर टूट गया तो वहीं उसके मुंह में भी गंभीर चोट आई। घटना की जानकारी जब जबलपुर में रहने वाले डॉग लवर को दी गई तो वह लोग इकट्ठा हो गए और घायल स्वान की जान बचाने में जुट गए। इस दौरान घायल मादा डॉग ने डॉग लवर पर हमला कर उन्हें काट कर घायल भी कर दिया। बावजूद इसके वह लोग पीछे नहीं हटे और 3 घंटे का रेस्क्यू कर घायल मादा स्वप्न को कार में रखा और फिर इलाज के लिए वेटनरी कॉलेज ले गए। आज की इस व्यस्तम दुनिया में जहां सड़क किनारे पड़े घायल व्यक्ति को देखने के लिए लोगों के पास समय नहीं है, तो वहीं संस्कारधानी जबलपुर में सड़क किनारे पड़ी घायल मादा स्वप्न की जान बचाने के लिए कई युवा सामने आए। डॉग के घायल होने की जानकारी लगते ही कोई अपनी कार में आया तो कोई बाइक में। सड़क किनारे पड़ी मादा स्वप्न, जो कि गर्भवती भी बताई जा रही थी, उसकी जान बचाने के लिए करीब 3 घंटे तक युवा लड़के परेशान होते रहे। इस दौरान सड़क किनारे पड़ी घायल मादा स्वप्न को जब डॉग लवर ने उठाने की कोशिश की तो उसने भी काट लिया। इसके बाद भी युवा पीछे नहीं हटे। डॉग लवर सौरभ शर्मा ने बताया कि वह यहां से गुजर रहा था, तभी देखा कि कार चालक ने एक मादा डॉग को टक्कर मारकर भाग गया। इस दुर्घटना में डॉग का पैर टूट गया था। इसके बाद उसने इसे उठाने की कोशिश की पर उसने उसके हाथ में काट लिया। फिर उसने अपने दोस्तों को जानकारी दी। देखते ही देखते कई युवा लड़के लड़की इकट्ठा हो गए और जुट गए घायल डॉग की जान बचाने में। एक डॉग लवर ने अपना स्कार्फ उसके ऊपर डाल दिया तो कोई उसे पानी पिला रहा था। मादा स्वप्न इतने दर्द में थी कि जब उसे पकड़कर कार में रखने की कोशिश की जा रही थी तो वह हमला कर रही थी। इस दौरान घायल डॉग ने कुछ लड़कों को काट भी लिया था। रात में लड़के लड़कियों को सड़क किनारे खड़ा देख केंट थाना पुलिस भी पहुंच गई, जहां युवाओं ने बताया कि मादा स्वप्न घायल हो गई। इसके बाद पुलिसकर्मी भी डॉग की जान बचाने में जुट गए। कपड़ों में लेटाकर स्वप्न को कार में रखने की कोशिश की जा रही थी पर दर्द में कराहती मादा डॉग भी हमला कर रही थी। आखिरकार युवाओं और पुलिस की मेहनत रंग लाई और करीब 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद बमुश्किल घायल डॉग को कार में रखा गया। यहां से निकल रहे थे तो एक कार वाले ने भेड़ दिया था उसको, तो उसका दांत आंत टूट गए थे, तो अब हम लोग उसको रेस्क्यू करके ले जा रहे हैं अपने घर। उसके बाद डॉक्टर को बुलाएंगे, फिर वहीं उसका ट्रीटमेंट करेंगे। पुलिस वालों ने भी हेल्प की है। अभी तो फिलहाल तो कह नहीं सकते, उसके मुंह से भी ब्लड आ रहा है काफी।